So yesterday we started with the concept of functional groups. So in case of functional group, I told you that there are many variety of organic compounds that we are having. Okay. So the variety of organic compound, the carbon compound we are having, we have divided them in a category. ठीक है, तो जो जो हमें सिमिलर लग रहे थे हमने उनको क्या किया है, एक कैटेगरी में डाल दिया है. राइट, नाउ दिस कैटेगरी इट फॉर्म्स अ ग्रुप, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप. इट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस ग्रुप को बिलोंग करते होंगे, वो सारे के सारे जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे. ओके, नाउ देयर इज नॉट वन सिंगल ग्रुप फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हमने उनको क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है. ओके, सो जैसे मैंने आपको कल भी बताया है, द फर्स्ट ग्रुप वी हैव डिस्कस्ड इज द एल्केन. तो आप पूरी एल्केन फैमिली पढ़ के आए हो. ठीक है, एल्केन फैमिली कैसे, उसकी नॉमेनक्लेचर हमने करनी है, दे आर द सैचुरेटेड कंपाउंड, तो वो सारा हम पढ़ के आए हुए हैं. ओके, इन द सिमिलर वे वी आर हैविंग द एल्कीन फैमिली. ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप में क्या है, जितने भी एल्केन फैमिली के मेंबर्स होंगे दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड. ओके, सेकेंडली जितने भी एल्कीन मेंबर होंगे दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉन्ड. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इथीन, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, इथीन. ठीक है, तो जहां पर मुझे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आया, मैंने क्या कहा, दैट दे बिलोंग टू द एल्कीन फैमिली. तो यहां पर इनका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड. दे विल बी क्लासिफाइड, देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन इज द डबल बॉन्ड हियर. ओके, इज दिस क्लियर? सो इन द सेम वे वी कैन राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन. तीन कार्बन है, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, दिस विल बी सी एच टू, this will be CH and this is CH3. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, तीन कार्बन है, 1, 2 and 3, so this is prop, right? यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, राइट, दिस इज प्रोपीन. तो वर्ड रूट इज प्रॉप और साथ में आपका सफिक्स कौन सा लगा हुआ है, ईन, डबल बॉन्ड है. नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल. Now next I'm going to do for the four members, ठीक है, जहां पर मेरे पास चार कार्बन आटम है. See for these four carbon atoms, if I shift the double bond here, अब मैं ये double bond जो है वो यहां पर भी लगा सकती थी, मैं ये double bond यहां पर भी लगा सकती हूँ. अगर मैंने यहां पर लगाया तो same चीज हो जाती है. देखो, if I consider this case firstly, अगर मैंने यहां पर लगाया, ठीक है, तो कार्बन की चेन कंप्लीट कर लेते हैं, सी एच टू, दिस इज सी एच, दिस इज सी एच टू एंड दिस इज सी एच थ्री, तो यही बनेगा. ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, अगर मैं यहां से डबल बॉन्ड लगाऊं तो ये सी एच थ्री हो जाएगा, ये सी एच टू हो जाएगा, ये सी एच हो जाएगा. ओके, इट विल बी सी एच टू. तो इधर से और इधर से दोनों तरफ सेम कार्बन की चेन बन रही है कि नहीं, देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू. तो जो टर्मिनल पोजीशंस है, जो एंड पोजीशन है, उन दोनों पे चाहे जिस मर्जी कार्बन पे आप लगा दो, दोनों तरफ से जो चेन है वो आपकी सेम बन रही है. ओके, बट द चेन इज नॉट सेम व्हेन आई एम पुटिंग दिस डबल बॉन्ड हेयर. जब मैंने सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में लिख दी है, फिर आपकी कार्बन चेन सेम नहीं है. देखिए, सी सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच थ्री सी एच टू नहीं आया. तो डैट मीन्स अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करती हूँ, ओके, इफ आई एम गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, राइट, हियर द नेमिंग विल बी डिफरेंट. अब नेमिंग करनी कैसे है, ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट रूल बताऊंगी नेमिंग का. नेमिंग करनी कैसे है, अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि हमने अपने साइड चेन को कम से कम नंबर देना है, वैसे ही यहां पर जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसको कम से कम नंबर देना है हमने. सी
अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, ओके, या मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, दोनों तरफ से नाम सेम आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। अब अगर मैं यहां से करती हूँ, ठीक है, अब द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू कंसिडर कि किन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ओके, किन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है। तो ये वाले दो कार्बन है जिनके बीच में ये डबल बॉन्ड है, ओके, इज दिस क्लियर। सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको जो डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि ये इस कार्बन के साथ लगा हुआ है और इस कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1, ओके। तो हेयर इन दिस पोजीशन, हेयर इन दिस पोजीशन योर डबल बॉन्ड इज गेटिंग नंबर 1, क्यों, क्योंकि ये जिन दो कार्बन के साथ लगा हुआ है उस कार्बन का, पहले वाले ही कार्बन का हमने नंबर देखना होता है हमेशा, ठीक है, जिस तरफ से भी हमने चेन की नंबरिंग स्टार्ट की है पहले वाले कार्बन को ही देखना है हमेशा हमने। तो ये फर्स्ट कार्बन है मेरा, यहां से ही नंबरिंग स्टार्ट हुई, इसी के साथ ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या नाम बन जाता है, इट इज ब्यूट, वर्ड रूट लिखिए, फिर आपने उसका नंबर डालना है कि किस पोजीशन पे है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर आपने साथ में लगा देना है ईन, सो दिस इज ब्यूट 1 ईन, ओके, दिस इज ब्यूट 1 ईन। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब मैंने दोनों तरफ से जो उसकी नंबरिंग है वो लिख दी हुई है, बट हम देखेंगे कि किस तरफ से कम नंबर है वो आए। ये मेरे दो कार्बन हैं जिनको मैंने देखना है, दैट आर एक्चुअली बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इधर से नेमिंग करती हूँ तो पहले ये कार्बन आता है जिसको 2 नंबर मिल रहा है, अगर मैं इधर से जा रही हूँ, अगर मैं इधर से जा रही हूँ तो पहले ये कार्बन आ रहा है जिसको 2 नंबर मिल रहा है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इधर से जा रही हूँ तो ये वाला कार्बन पहले आ रहा है डबल बॉन्ड वाला, तो इसको 2 नंबर मिल रहा है। अगर मैं इधर से जा रही हूँ तो ये वाला कार्बन पहले आ रहा है, इसको भी 2 नंबर मिल रहा है। तो डैट मीन्स अगर मैं इधर से जाऊं या इधर से जाऊं तो दोनों तरफ से जो उसका नंबर है वो सेम है, दैट इज 2, ठीक है। तो इसका क्या नाम बन जाएगा, इट विल बी ब्यूट 2 ईन, सो इट विल बी ब्यूट 2 ईन। आप ये 2 आगे भी लिख सकते हो, तो सिंपली नेम कैन बी 2-butene ऑल्सो, ठीक है, दोनों वे से आप नेमिंग कर सकते हो। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो इससे ज्यादा नहीं करवाएंगे, बस एक एक आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पता होना चाहिए बस, और उसका नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है। सिमिलरली द थर्ड मेंबर्स ऑफ द नेक्स्ट फैमिली, दे आर द एल्काइन, एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के पास क्या कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब सबसे पहले आपने पढ़ा है इथाइन, इथाइन द फॉर्मूला वाज सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, ठीक है, तो ये आप फर्स्ट मेंबर पढ़ के आए हो इथाइन। इथाइन के बाद आ जाता है प्रोपाइन, ठीक है, इथाइन के बाद आ जाता है द नेक्स्ट मेंबर, दैट इज प्रोपाइन। तो 3 कार्बन बना लेने हैं, राइट? यस कविश, यू कैन राइट ब्यूटीन ऑल्सो और ब्यूट 1 ईन, दे बोथ आर सेम। आप यहाँ पर ब्यूटीन भी लिखोगे तो डेट इज ऑल्सो कन्वेइंग द सेम मीनिंग कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजिशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेम है, अगर आप ब्यूट 1 ईन लिखो या ब्यूटीन लिखो, दे बोथ आर सेम, ओके, बट वेन द नंबर इट चेंजेस फ्रॉम 2, 3, 4 तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा, ओके। नाउ सी हेयर फॉर द प्रोपाइन, प्रोपाइन के केस में हमने क्या करना है, कार्बन की चेन बना लेनी है, 3 कार्बन है हमें पता है और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब दोनों तरफ से जब आप बनाओगे तो सेम आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। अगर मैं यहां पर ना लगा के सपोज यहां पर लगाती हूँ, ठीक है, तो इट विल बी सी एच 1, 2, 3, 4 एंड, तो आप देखो दोनों तरफ से जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक ही नेम आएगा जिस मर्जी कार्बन से आप स्टार्ट कर लो, राइट? सो व्हाट इज द नेम, प्रोपाइन, ठीक है, क्योंकि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ, ठीक है। तो आइदर यू कैन राइट एज प्रो 1 आई,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉप वन आइन भी लिख सकते हो. ओके, नाउ दीज बोथ कार्बन एटम्स वी विल सी. ठीक है, तो अगर आप इसमें करोगे तभी भी वन आ रहा है, इसमें स्टार्ट करोगे तभी भी वन आ रहा है, तो दोनों तरफ में वन ही आ रहा है. ओके, सिमिलरली ऐसे ही आपके, जैसे आपने ब्यूट वन इन लिखा है वैसे ही ब्यूट वन आइन हो जाएगा, ब्यूट टू आइन हो जाएगा. ठीक है, तो जहां पर आपने डबल बॉन्ड लगाया वहां पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो जाएंगे. ओके, सो दीज आर द थ्री मेंबर्स. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स जो है ये हमने तीन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. अब इसके बाद जाते हैं, अब जितने भी डबल बॉन्डेड होंगे, जितने भी ट्रिपल बॉन्डेड होंगे या जितने भी सिंगल बॉन्डेड होंगे, ठीक है, हमने उन सबको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हुआ है. अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी इज, द नेक्स्ट कैटेगरी इज एल्कोहल. तो एल्कोहल जो है, द फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप. जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओएच ग्रुप लगा होगा, ठीक है, हम उनको क्या कहेंगे, दैट दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्कोहल. तो सबसे सिंपलेस्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कि ये माइनस का साइन नहीं है, दिस इज शोइंग द बॉन्डिंग. ठीक है, ये बॉन्ड शो कर रहा है, माइनस का साइन नहीं है. अब सिंपलेस्ट एल्कोहल जो आपके पास आता है, दैट इज सी एच थ्री ओ एच. ठीक है, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एल्कोहल, दैट इज मीथेनोल. ओके, अब जब भी एल्कोहल्स लगे होंगे, अब आप पढ़ के आए हो एल्केन लगा है तो आपने एन लगाना है, एल्कीन लगा है तो आपने ईन लगाना है. ठीक है, ऐसे ही जब आपको एल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं तो आपने लास्ट में क्या लगा देना है, ओल लगा देना है. तो वर्ड रूट के साथ आपका क्या लगेगा, ओल लगेगा. सो वर्ड रूट एक कार्बन है तो इट विल बी मिथ. सारे सिंगल बॉन्डेड है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर खोल के आपको बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ, they all are single bonded, सारे single bonded है. ठीक है, तो हमने लिख देना है मिथेन, ऐसे ही आएगा क्योंकि single bonded के साथ सारे जो हैं, right, they are attached, so I'll be writing methane. अब आपने क्या करना है, ये जो E है उसको रिमूव कर देना है और साथ में ये ओल लगा देना है, so its name will be methanol. क्या नाम बन जाएगा इसका, methanol. तो ये वर्ड रूट हो गया मिथ. एन आपने लगाया फॉर द सिंगल बॉन्ड, ओल आपने लगाया है फॉर द एल्कोहल फंक्शनैलिटी. इज दिस क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. ठीक है, अब सेकंड मेंबर पे चलते हैं. सेकंड मेंबर है सी एच थ्री सी एच टू, सी टू एच फाइव ग्रुप लिखेंगे. ठीक है, दिस इज सी टू एच फाइव ग्रुप जो मैंने आपको बताया था. तो दो कार्बन है और पांच हाइड्रोजन है. अब इसके साथ भी हमने क्या लगा देना है, ओ एच लगा देना. तो आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस और आइदर इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो. तो सी टू एच फाइव ओ एच. अब दोबारा से इसका नेम लिखते हैं. दो कार्बन है तो इट विल बी इथ. देर आर टू कार्बन सो इट विल बी इथ. दे ऑल आर जॉइंट बाई सिंगल बॉन्ड सो एन. अगेन आई विल बी डिडक्टिंग ई और उसकी जगह ओल लगा देना है. So that is ethanol. ठीक है, ये जो हम नेमिंग करते हैं that is according to the IUPAC naming structure. ठीक है, ये जो नेमिंग structures होते हैं ये according to IUPAC naming होती है. But कुछ ऐसी चीजें भी होती है, जैसे आप कुछ medicines भी लेके आते हो, ठीक है, एक उनका chemical name लिखा होता है, okay, एक उनका common name होता है, right? तो ऐसे ही हमारे organic compounds हैं. हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी एक केमिकल नेम है जो हम IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ये जो आप कर रहे हो. ओके, बट दे आर ऑल्सो हैविंग कॉमन नेम. तो कॉमन नेम इथेनॉल का कॉमन नेम हो जाता है इथाइल एल्कोहल. तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, वेयर वी यूज इथाइल एल्कोहल. तो इथाइल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, इथेनॉल है. ओके, सो दीज आर द एल्कोहल फैमिली. ऐसे ही आप नेक्स्ट जो है वो सारे अल्कोहल फैमिली के मेंबर लिख सकते हो. ठीक है, प्रोपेनल आ जाएगा. नेक्स्ट मेंबर एक लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको. आपने एक सी एच टू ग्रुप इंक्रीज करना है, बस बताया हुआ है ना होमोलोगस सीरीज के लिए. तो एक सी एच टू ग्रुप जो है वो अलग कर एड कर दिया बस. सो दिस इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच. ओके, तो तीन कार्बन की चेन आ गई है आपके पास.
अब यहाँ पर आपने ओ एच जो है वो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ लगाया है, तो इट विल बी प्रोपेनोल। अगर सपोज मैं ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख दूं कुछ, If I write the structure like this, ठीक है, तो अब मैंने OH का जो नंबर है वो चेंज कर दिया है। अब वो किस कार्बन के साथ लगा हुआ है? सेकंड के साथ। दोनों तरफ से नेमिंग करोगे तो उसको सेकंड नंबर ही मिलेगा। अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तभी इसको सेकंड नंबर मिल रहा है, अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो तभी भी उसको सेकंड नंबर मिल रहा है। ओके, तो नाउ इट्स नेम विल बी प्रोपेन टू ओल और टू प्रोपेनोल। ठीक है, अब यहां पर इसकी नेमिंग चेंज हो गई है, सो दैट इज टू प्रोपेनोल नाउ। इज दिस क्लियर? तो इन द सेम वे वी कैन राइट डाउन दी अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली एल्कोहल। अब एल्कोहल के बाद जो नेक्स्ट मेंबर आता है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। So let's start with the aldehyde group. Aldehyde group जो है that is marked with C double bond O H. This is the aldehyde group. ठीक है, यहां पर कुछ भी आपने कार्बन के साथ लगा देना है और आप इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो सी एच ओ। ठीक है, ये मैंने आपको खोल के उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताया है। इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो? सी एच ओ भी लिख सकते हो। सी एच ओ ही लिखना है हमेशा, सी ओ एच नहीं लिखना है। इज दिस क्लियर? यू आर ऑलवेज गोइंग टू राइट इट एज सी एच ओ नॉट सी ओ एच, तो गलत हो गया क्योंकि उसका नेम ही अगर आपने चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेंबर्स। यहां पर आपने कार्बन के मेंबर्स जो है वो लगाने शुरू करने हैं। अब सबसे पहले अगर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूं तो तभी भी मेरे पास एक कार्बन तो है ही, ये वाला कार्बन हमने काउंट करना होता है अब। ओके, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स क्या बन सकते हैं? देखो कुछ नहीं कर रही हूं मैं, ये जो एक बॉन्ड खाली छोड़ा है मैंने, उसकी जगह पहले एक हाइड्रोजन लगा दिया ताकि एक कार्बन वाली स्पीशीज लिखी जाए। फिर यहाँ पर सी एच थ्री ग्रुप लगा दिया, दो कार्बन वाली स्पीशीज लिखी जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं सी टू एच फाइव ग्रुप लिखूंगी। ओके, ये तीन कार्बन वाली स्पीशीज हो गई आपकी, राइट? तो चलिए इसका नेम लिखते हैं। सबसे पहले का जो नाम है, क्योंकि एक कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा मिथ। सिंगल बॉन्डेड है, दे ऑल आर सिंगल बॉन्डेड। कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना होता है। When I am saying they are single bonded, we are going to see the bond of carbon-carbon atoms. ठीक है? तो singly bonded है तो A लिखेंगे। Again आपने ये जो E है वो remove कर देना है। Okay? Aldehyde के लिए जो functionality लिखी जाती है last में अल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अल, A L. So that will be methanol. तो ये इसका first name बन जाता है, methanol. This is the IUPAC name. इसका common name जो है आप इसको और क्या कहते हो? Formaldehyde. You call it as formaldehyde also. Okay? Same way, coming to the next member, दो carbon है और दोनों carbon carbon के बीच में single bond है. So this is ethanol. This is ethanol. एथेनॉल का कॉमन नेम बनता है एसिटैल्डिहाइड। ओके, तो एक दो जो है कॉमन कॉमन आपने नेम याद कर लेने हैं। पहले का फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरे का एसिटैल्डिहाइड है। ओके, थर्ड का लिखते हैं। अब तीन कार्बन है एंड दीज ऑल थ्री कार्बन दे आर जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड, तो तीन के लिए हमारा वर्ड रूट चलता है प्रॉप। दे ऑल आर जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड एन, और साथ में हमने लास्ट में क्या लगाना है? एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली फंक्शनैलिटी, दैट इज अल।
तो दैट विल बी प्रोपेनल. इसी तरह जो बाकी मेंबर्स हैं वो आ जाएंगे ब्यूटेनल, ठीक है, हेक्सेनल, पेंटेनल, राइट. सो द नेक्स्ट मेंबर्स दे विल बी रिटन लाइक दिस. इज दिस क्लियर टिल नाउ बेटा? यहां तक समझ आ गया है? क्लियर टिल नाउ? ओनली वन टू? यस, ओके. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ. अब सेम थोड़ा सा स्ट्रक्चर है बट थोड़ी सी लिटिल हमने चेंज करना है. तो ये जो है फंक्शनैलिटी किसी दूसरी फंक्शनैलिटी में चेंज हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कीटोन. एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन. तो कीटोन जो है और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है? एल्डिहाइड में यहां पर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो जरूर रहता है. आपने देखा ना पीछे मैंने यहाँ पे एच लिखा हुआ था, हर बार एच लिख रही हूं मैं. ये देखो, ईच एंड एवरी टाइम आई एम राइटिंग दिस एच, आई एम एंडिंग माई स्ट्रक्चर विद सी एच ओ, ठीक है. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कीटोन, तो कीटोन में ये एच नहीं होता है. सिर्फ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ तो व्हेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन फॉर द कीटोन मेंबर, कीटोन फैमिली की जब हम बात करेंगे तो कीटोन में ये एच जो है वो मैंने नहीं लिखना है. यानी कि अब कार्बन की जो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड की वो दो बाकी कार्बन के साथ बढ़ गई है. अब ये दोनों साइड पे, एक दिस साइड एंड अदर दिस साइड, यहां पर दोनों साइड जो है वो कार्बन एटम इजिली अटैच हो सकते हैं. ओके, सो हेयर दिस इज फंक्शनैलिटी, दिस इज कॉल्ड एज कीटोन. अब मैंने एच नहीं लिखना है. तो अगर मैंने एच नहीं लिखना है दोनों साइड, तो जो फर्स्ट मेंबर मेरा बनेगा, ठीक है, अगर मैंने एच नहीं लिखना है दोनों साइड, तो मेरा जो फर्स्ट मेंबर बनेगा इट विल बी लाइक दिस. क्योंकि मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि दोनों तरफ कार्बन लगाओ, तो मैंने दोनों तरफ सी एच थ्री मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच कर दी है. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट और द फर्स्ट कीटोन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कीटोन होगा. और जैसे वो अल से लिखा जाता है, इसमें आपने लास्ट में क्या लगाना है? ओन लगाना है, ओ एन ई, ठीक है. दिस इज नॉट वन, दिस इज ओन, प्रोपेनोन, ठीक है. तो चलिए इसका नेम लिखते हैं. वन टू एंड थ्री, तीन कार्बन है, तो वर्ड रूट इज प्रोप. All the carbons they are joined by single bond, so we'll be writing in. ठीक है, again E हटा देंगे. ठीक है, हमने last वाला जो E है उसको deduce कर देना है, deduct कर देना है, और साथ में आ जाएगा own. So this is propanone. अब इस propanone का एक common name है जो आप use करते हो बार बार, that is acetone. That is acetone. तो आपको पूछ लेते हैं, what is the formula of acetone? So this is the formula of acetone. Right? In the same way, you can write down butanone. अब तीन वाला तो हमने लिख लिया, अब चार वाला कैसे बनेगा? So the structure will be like this. ठीक है, एक दो तीन चार, चार कार्बन हो गए हैं and they all are joined by single bond. So this is butanone. राइट, दीज आर द कीटोन मेंबर, ठीक है जी. अब जो नेक्स्ट लिखने हैं हमने, दे आर द कार्बोक्सिलिक एसिड. कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखने हैं हमने. नाउ हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर डिनोटेड, देखो एल्डिहाइड और एसिड में क्या डिफरेंस आता है. जब आप एल्डिहाइड लिखते हो तो आप सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा देते हो, ऐसे करते हो ना, तो आप फिर क्या देते हो, ये एल्डिहाइड बन गया. ओके, नाउ व्हेन आई विल बी राइटिंग हियर ओ एच, ठीक है, या मैं सिंपली इसको कैसे लिख सकती हूँ, सी डबल बॉन्ड, I can write this also as COOH.
तो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इट इज गोइंग टू गिव यू द फंक्शनैलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके लिए हमने लास्ट में क्या लिखना होता है, ओइक एसिड। व्हाट वी विल बी राइटिंग एट द लास्ट, वी विल बी राइटिंग ओइक एसिड। ठीक है, लास्ट इज ओइक एसिड दैट रिप्रेजेंट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। ठीक है, तो अगेन देयर इज वन बॉन्ड दैट यू कैन अटैच हेयर। तो एक कार्बन ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट एसिड से स्टार्ट करूं, द वेरी सिंपलेस्ट एसिड इट कैन बी HCOOH। ठीक है, ये सेकंड फैमिली का मेंबर हो जाएगा। अब फर्स्ट मेंबर के साथ अगर आपने लिखना है तो एक कार्बन है, सो इट विल बी मिथ। अगेन सिंगल बॉन्ड इज देयर, ओके, सो इट विल बी मिथेन। आपने साथ में लगाना है ओइक एसिड, सो इट विल बी मिथेनोइक एसिड, इट विल बी मिथेनोइक एसिड। अब जैसे आपने एल्डिहाइड का लिखा, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये एसिड क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, द एसिड विल बी फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली फॉर द सेकेंड मेंबर, वन एंड टू कार्बन आर देयर, सो इट विल बी इथ। अगेन दे आर जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड एंड लास्ट में हमने ओइक एसिड लिखना है, तो इथेनोइक एसिड, ओके, जिसको आप कॉमनली और क्या लिखते हो, एसिटिक एसिड यूज करते हो ना बहुत फ्रीक्वेंटली, विनेगर, द डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड इज विनेगर। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का नेम क्या है, इथेनोइक एसिड है, ओके। सो यू सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट मेंबर, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, ओके। द लास्ट फंक्शनल ग्रुप दैट वी विल बी डिस्कसिंग, एसिड्स के बाद अब आपके जो लास्ट हमने डिस्कस करने हैं, दे आर द हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो ये आपके हेलो एल्केन्स आते हैं यहाँ पे। यू नो वी आर हैविंग हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये भी जो है वो कार्बन की चेन के साथ अटैच हो सकते हैं। इन जनरल हम उनको एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैंने जनरली बताना है। ठीक है, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, सी एल भी हो सकता है, बी आर भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओके। सो दे जनरली रिप्रेजेंट दी हेलो फैमिली, हेलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जब आपने इनको लिखना है, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट देम, ये लिखेंगे तो पीछे, ठीक है, ये पहले मिथाइल ग्रुप लिखा जाएगा, उसके पीछे लिखे जाएंगे। बट वेन यू आर गोइंग टू डू देयर नेमिंग पार्ट, वेन यू आर गोइंग टू डू देयर नेमिंग पार्ट, ओके, नेमिंग में ये पहले बोले जाएंगे। सो क्लोरो पहले बोला जाएगा, फिर उसके बाद एक कार्बन है और एल्केन फैमिली को बिलोंग करते हैं, साथ में लिखा ना हेलो एल्केन्स, तो एल्केन्स है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, मिथेन बन जाएगा, ओके। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदर नेम कैन बी मिथाइल, दिस इज क्लोराइड, तो दोनों वे से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, ओके, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमिथेन। इज दिस क्लियर? तो ऐसे ही जब आपने यहाँ पे एफ लगा दिया है तो मिथाइल क्लोराइड क्लोरोमिथेन, बी आर लगा दिया है मिथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोमिथेन आइडोमिथेन मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ऐसे इसकी नेमिंग चलेगी, बट ये आपने लिखने हमेशा पीछे हैं, ओके, बट इन द नेमिंग पार्ट दे विल बी रिटन फर्स्टली। नेमिंग में ये प्रीफिक्स में जाएंगे, प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड रूट है उससे पहले लिखे जाएंगे, ये हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखे जाएंगे प्रीफिक्स में। बाकी आपने सारे देखे हैं वो सफिक्स में लिखे हैं हमने, वर्ड रूट के बाद लिखे हैं। ठीक है, ये जो हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, दे विल बी रिटन इन द प्रीफिक्स पार्ट, दे विल बी रिटन फर्स्टली, ओके, जैसे आपने ये मिथाइल इथाइल वगैरह लिख रहे हो आप। ठीक है,
okay, so with this our functional groups they are complete. तो उसके बाद आपका एक टॉपिक रह गया है एलोट्रॉप्स का, सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम.